कुख्यात बदमाश मनोज मांगरिया को क्राइम ब्रांच ऊंचागांव ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 2 लाख का इनाम फरीदाबाद पुलिस ने घोषित कर रखा था। मनोज सजायाफ्ता कैदी है जो कोरोना काल में पैरोल पर बाहर आया था और दिनांक 23 दिसंबर 2020 को उसने गांव अमीपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके मनोज भाटी की सेक्टर 31 में दिन दहाड़े अपने गुर्गों के साथ मिलकर हत्या कर फरार हो गया था। इस मामले में बीते करीब 4 महीनों से शहर की सभी क्राइम ब्रांच उसकी तलाश कर रही थी। एक बार तो 2 क्राइम ब्रांच की टीम संयुक्त ऑपरेशन में उसके करीब पहुंच भी गई थी, मगर भनक लगने पर वो फरार हो गया था। वहीं सूत्रों का कहना है कि मनोज मांगरिया ने खुद आकर क्राइम ब्रांच में सरेंडर किया है। इस मामले में अब तक 6 शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। फरीदपुर में मनोज मांगरिया की बहन का ससुराल है, वह बीते कई दिनों से वहां छिपा हुआ था, जिसकी खबर क्राइम ब्रांच को लगने पर उसे दिनांक 7 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को दबोचा लिया। ACP क्राइम अनिल कुमार ने बताया कि मनोज मांगरिया को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी कि किस कारण से उसने मनोज भाटी की हत्या की। हथियार समेत अन्य घटना में प्रयुक्त वाहन व और कौन कौन इस हत्या में शामिल था उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने भाटी की हत्या के आरोप में मांगरिया सहित 16 लोगों को मनोज भाटी की हत्या व साजिश रचने का आरोपित बनाया था। बाकियों में रोहित रवि, सतबीर राम सिंह, हिमांशु कौशिंदर, विक्की विकास, हरपाल, अशोक सोनू, धर्मेंद्र आर्यन उर्फ बिट्टू, धीरेंद्र कुमार और अजय के नाम शामिल हैं। इनमें से अशोक विकास, धर्मेंद्र, सोनू आर्यन उर्फ बिट्टू और अजय को क्राइम ब्रांच 30 व क्राइम ब्रांच 17 की टीम पहले गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने इस मुकदमे में 600 पन्ने की चार्जशीट अदालत में पेश की थी। सूत्रों का कहना है कि 25 सितंबर 2020 को बंधवाड़ी प्लांट पर कूड़ा डलवाने को लेकर 2 गुटों में फायरिंग हुई थी। उसमें मनोज मांगरिया और पवन हरसाना गुट का नाम सामने आया था। दोनों तरफ से गोलियां चली और 3 लोग घायल हुए थे। झगड़े के बाद से पवन व मांगरिया एक दूसरे को मारना चाहते थे। भाटी इस पूरे मामले में सक्रियता दिखा रहा था। मांगरिया को भाटी की दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही थी। भाटी ने मांगरिया के खिलाफ कुछ बातें भी कही थी जो मांगरिया को पता लग गई थी। चूंकि मनोज भाटी का पवन हरसाना के यहाँ दूर की रिश्तेदारी भी है, इस फायरिंग को लेकर मांगर गांव में ही दोनों गुटों की पंचायत हुई थी। इसमें मनोज भाटी भी शामिल हुए थे। बताया जाता है पंचायत में मनोज भाटी ने कुछ हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था। हत्याकांड से सप्ताह भर पहले मनोज मांगरिया ने मनोज भाटी को फोन कर देख लेने की धमकी दी थी। सेक्टर 31 में मनोज भाटी के दोस्त सद्दाम का प्रॉपर्टी का कार्यालय है, जिस वजह से मनोज अक्सर वहां पर आता जाता था। 23 दिसंबर 2020 को दोपहर को मनोज वहीं पर था। कार्यालय के बाहर कोरोला और फॉर्च्यूनर कार में सवार 4-5 युवकों की हरकतें मनोज भाटी को संदिग्ध लगी थी, जिस पर वो मामले को भांपते हुए कार्यालय से निकल सद्दाम की स्कॉर्पियो कार लेकर भाग निकला। मनोज मांगरिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई किलोमीटर तक मनोज भाटी का गाड़ी में पीछा कर सेक्टर 31 में घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर गांव अमीपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर मनोज भाटी को मौत के घाट उतार दिया था। हमलावरों ने करीब 1 किलोमीटर तक भाटी की कार का पीछा किया था। श्रमिक विहार में भाटी की कार के नीचे एक मोटरसाइकिल फंस गई, जिसके चलते वो भाग नहीं सका और बदमाशों ने उसे गोलियों से भून दिया था। हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने की पूरी योजना बना रखी थी। आरोपियों को पता था कि एक ही तरफ भागने पर वो जल्द काबू में आ सकते हैं, इसलिए दोनों गाड़ियों को अलग अलग दिशा में दौड़ाया गया। मनोज मांगरिया 2-3 शूटरों के साथ तिगांव की तरफ भागा, बाकी शूटर सूरजकुंड रोड की तरफ। पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी कर रखी थी, लेकिन आरोपी अरावली में पहले से बना रखे ठिकाने में जा छिपे। बदमाशों ने अरावली में अनंगपुर क्षेत्र में खूनी झील के पास छिपने के लिए झोपड़ी नुमा ठिकाना बनाया था। दिन भर वे भाटी की रैकी करते और रात में इसी ठिकाने पर ठहरते थे। कोरोला कार उन्होंने तिगांव में छोड़ दी और अरावली के गुप्त ठिकाने पर पहुंच गए। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने 48 घंटे के अंदर ही मनोज भाटी हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मांगर का अशोक उर्फ पाटिल, नंगला एनक्लेव पार्ट 2 का रहने वाला विकास हरसाना, आया नगर दिल्ली का सोनू और अनंगपुर का धर्मेंद्र शामिल है। दिल्ली निवासी आरोपी सोनू ने अपनी छाती पर गुरुजी मांगरिया गुदवाया हुआ है। वारदात में प्रयोग कोरोला गाड़ी भी उसकी थी। कुछ दिन बाद इसी कड़ी में भाटी हत्याकांड के 2 और शार्प शूटरों को क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के खतौली क्षेत्र के जानसठ थाने के एरिया से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी धीरेन्द्र उर्फ फौजी मूल रूप से भोपा उत्तर प्रदेश व आर्यन उर्फ बिट्टू जो कि मूल रूप से हरियाणा के पीपली खेड़ा गांव का रहने वाला है,
पुलिस के मुताबिक बदरौला गांव निवासी शशि नागर पर 12 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज थे। दो केस में 22 अगस्त 2013 को शशि की कोर्ट में तारीख थी। एक मामले में उसको कोर्ट से तारीख मिल गई थी, जबकि दूसरे में उसे लंच के बाद कोर्ट में पेश होना था। जब वो अपने वकील के चैम्बर में बात कर रहा था तो उसी दौरान 3 युवक आए। उन्होंने शशि पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शशि खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी 2 कारों में बैठकर फरार हो गए थे। हत्या का मुख्य आरोपी इस मामले में मनोज मांगरिया था। इस मुकदमे में अदालत ने मनोज मांगरिया को दोषी ठहराया और साल 2016 में उम्र कैद की सजा सुनाई। मनोज तभी से जेल में सजा काट रहा था। जेल के अंदर रहकर वो अपना गिरोह संचालित करता रहा। अब कोरोना काल के दौरान उसे पैरोल मिली। इसी दौरान मनोज भाटी की हत्या में उसका नाम आ गया। मांगरिया को 23 फरवरी को जेल लौटना था, मगर वो नहीं लौटा। यह पहली बार है जब मांगरिया ने पैरोल जंप की थी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।